प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 15 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी गांव-गांव जाकर अपने लिए वोट मांगने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जिला पंचायत चुनाव को लेकर मैदान में उतरे बसपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने लोनी इलाके के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान अनिल शर्मा ने गनौली गांव में सर्कस का उद्घाटन किया और 11,000 रुपए की सहयोग राशि देकर उनका मनोबल बढ़ाया। कहा कि लोनी का विकास अभी बहुत पीछे है, इसलिए वे खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं ताकि वे चुनाव में जीतकर इलाके में विकास कार्य करा सके। उन्होंने कहा कि सभी लोग 15 अप्रैल को मतदान जरूर करें। देखिए, जो चुनाव की कैंपेनिंग है वो अपने अंतिम दौर पे है। तबीयत मेरी खराब है और आज जो हमारा जो कैंपेनिंग है वो अभी सिरौली गांव से होते हुए अभी हम यहां पहुंचे गनौली गांव में। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जो यहां प्रधान जी हैं, पहलवान जी यहां पर मेरे साथ खड़े हुए हैं और यहां और भी गनौली गांव के लोग यहां पर खड़े हुए हैं। और कैंपेन के दौरान मुझे पूरा स्पष्ट है कि एक चेहरे पर सबके पे चमक है और इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है कि सभी ने मन बना लिया है कि वो अपने भाई और बेटे को इस बार चुनाव में जिता करके भारी मतों से विजय दिलाएंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के कुल 4 दिन बाकी रह गए, जिसको देखते हुए सभी प्रत्याशी लोगों से वोट देने की अपील कर रही है।